हेलो गाइस इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ट अबाउट द कानामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स वहाँ पे हमने बेसिकली सर्कुलर मोशन के एंगुलर पैरामीटर्स और लीनियर पैरामीटर्स इन दोनों के बारे में बात की थी यहाँ पे हम उन सारे पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर रिपीट करने वाले हैं जिसके साथ हम शुरू करेंगे हमारा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वाला पार्ट कानामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पैरामीटर्स आते हैं एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट

लेकिन अगर मुझे उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ानी है तो मुझे एक अलग से फोर्स लगाना पड़ता है जिस फोर्स की वजह से एक और एक एक्सलेशन तैयार होता है दैट एक्सलेशन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सलेशन टेंजेंशियल एक्सलेशन बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन वो स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सो so ये जो एक्सलेशन होता है ए आर ए आर एक्सलेशन यानी रेडियल और सेंट्रपिटल एक्सलेन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर स्पीड और एटी रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर स्पीड इन द यानी ये अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड बढ़ा रहा है इसका मतलब एटी जो है वो एक्सेशन का काम कर रहा है ये ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन है वो अगर स्पीड कम कर रहा है तो एटी जो है वो रिटार्डेशन का, का काम कर रहा है अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और लीनियर uh, स्पीड की डायरेक्शन दोनों अगर सेम है तो हम उसे क्या कहते हैं एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो हम उसे कहते हैं टेंजेंशियल रिटार्डेशन अब नेट एक्सलेशन ऑन द सर्कुलर इन सर्कुलर मोशन इज वाला होता है ये नेट एक्सलेशन होता है ए नेट विच इज ए नेट ये वाला जो एक्सलेशन होता है ये ए नेट एक्सलेशन होता है विच इज नथिंग बट द ए टी और ए आर का रिजल्टेंट होता है नेट एक्सलेशन सो नेट एक्सलेशन जो होता है वो यहां पे

एंड ए सी इज देंटरपिटल एक्सेलेशन सो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेर अपॉन आर वी की वैल्यू पता है मुझे आर ओमेगा सो ओमेगा स्क्वेर आर ये वाले जो फॉर्मूला है ये वाला फाइनल फॉर्मूला बन जाता है सॉरी फाइनल फॉर्मूला बन जाता है ए सी यानी सेंटिपिटल एक्सेलेशन के लिए यह होता है आपका सेंटिपिटल एक्सोलेशन यहां से आपका डायनामिक शुरू होता है सो so, यहाँ पे सेंटिपिटल एक्सोलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सेंटरपिटल फोर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज द सेंटिपिटल फोर्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दो और चीजें देखेंगे यहाँ पे बहुत इजी है इसलिए मैंने एकदम इमिडिएटली दे दिया है उन लोगों को इन सर्कुलर मोशन द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड टाइम पीरियड कहा जाता है उसका ऑब्वियसली उसका ऐसा uh, यूनिट क्या होता है सेकंड second. सेकंड्स में हम चेक करते हैं सिमिलरली फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन वन सेकंड एक सेकंड में वो कितने रेवोल्यूशंस करता है उसे हम क्या कहते हैं Uh, जैसे आपको पता है, n, is, uh, पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टी टाइम लगता है और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है यानी टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा सो एंगुलर इक्वल टू टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन रेवोल्यूशन इज टू पाई डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड इज कैपिटल टी सो टू पाई एन सो ये वाला

ये वाले एग्जाम्पल्स है एक्सेलरेशन पे तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं और ये वाले एग्जाम्पल्स करके आपको अपलोड करने हैं अपनी गूगल क्लासरूम पे याद रखना दिस इज योर असाइनमेंट फॉर दिस लेक्चर अब लेक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एक्चुअली घुसते हैं अब मुझे पता है कि सेंट्री फ्यूगल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स ये दोनों बातें मैं कर चुका हूं वट इज मे माइ सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स मीनस अगर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वाला ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसको द सेंटर लगने वाला फोर्स कौन सा है फोर्स होता है तो वैसे ही एक और एक फोर्स लगता है इज अवे फ्रॉम द सेंटर वी कॉल इट फ्रॉम्री फ्यूगलो फोर्स 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 इज कॉल्ड एज स्यूडो स्यूडो ये pseudo -force क्यों जनरेट होता है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है सो so ये जो कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को रिफ्यूज करने के लिए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये वाला जो फोर्स है ये तैयार होता है ये ये वाला फोर्स तैयार होता है 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 अब इस इस में में जैसे ही मैं ये centripetal force कट कर देता हूं, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में चला जाता है Because उसका सर्कुलर मोशन का जो भी कंडीशन है वो खत्म हो गया सर्कुलर मोशन का नेसेसरी मतलब चला जाएगा ऐसे चला जाएगा अब दो ऑब्जर्वर डिसाइड करो ये वाला जो ऑब्जर्वर है ना ये वाला ऑब्जर्वर बी है जो सर्कुलर मोशन को एज अ थर्ड पर्सन डिसाइड देख रहा है और ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये वाला ऑब्जर्वर ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन वहां पे है तो अगर बी को देखा तो बी के हिसाब से बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जेक्ट पहले सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था ये वाला उसका फोर्स था इस डायरेक्शन में था सेंटर डायरेक्शन में उसका फोर्स था जैसे मैंने सेंट्रिपिटल फोर्स कट कर दिया ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरफ चला गया ठीक है ये किसके वजह से इसकी वजह से लेकिन जब मैं एक के हिसाब से देखना शुरू कर देता हूं तो ए अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा क्यू एक्सपीरियंस नहीं कर रहा बिकॉज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑलवेज एज अ रेस्ट रेस्ट पे है ऐसे कर रहा है लेकिन जैसे ही वो कट हो गया इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया ए ने ए ने फोर्स एक्सपीरियंस किया विच इज इन दिस डायरेक्शन ये वाला जो एक्सपीरियंस है जो ऑब्जेक्ट विच इज इन द सर्कुलर मोशन एक्सपीरियंस करता है जो जो थर्ड पर्सन को दिखाई नहीं देता लेकिन ए वाला जो पर्सन है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसको एक्सपीरियंस हुआ ये वाला फोर्स जो है वो है. वो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स है है एक्सपीरियंस कौन कर सकता है? उसको विटनेस कौन कर सकता है जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है वही विटनेस कर सकता है थर्ड पर्सन उसको विटनेस नहीं कर सकता थर्ड पर्सन सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस या फिर विटनेस कर सकता है लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को

इन होरिजोटल सर्कल ऑफ रेडियस मीटर ऑफ इट्स अगर सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसको अगर एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है तो स्ट्रिंग में जो टेंशन तैयार होता है बेसिकलीफॉर्म एक्ट एज ए Force. As आप देखोगे टी इज इक्वल टू एम टू पा स्क्र आप अगर यहां पर देख रहे हो ठीक से तो ऑब्जेक्ट जो है उसका मास उतना ही है यानी ये कॉन्स्टेंट है टू पाए कॉन्स्टेंट है आपने स्ट्रिंग की वैल्यू भी वही रखी है इसका मतलब आर यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन कॉन्स्टेंट है इसका मतलब कौन रह गया सिर्फ एन स्क्वायर यह वाली जो वैल्यू है यह वैल्यू रह गई जो वेरिएबल हो सकती है इसलिए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इस केस में टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर अगर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है इसका मतलब टी वन अपॉन टी टू इजिकल टू एन वन स्क्वेर अपॉन एन टू स्क्र पहली केस में पहली केस में टेंशन आपका कितना था टेंशन आप निकाल सकते हो पहली केस में टेंशन टी वन so, आप आ, निकाल सकते हैं उसके बाद डायरेक्टली आप उस फॉर्मुला में रख दो यू विल गेट एन टू इज इक्वल टू फाइव ट्राई करो इसको मैंने कैलकुलशन में घुसा नहीं मैं कैलकुलशन आप ट्राई करो एंड दाइनल वैल्यू विल बी एंड टू ये ट्राई करके देखो एंड जस्ट इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं तीन बॉल्स सपोज कंसीडर करो तीन पार्टिकल कंसीडर करो ये पूरी की पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग है ठीक है ना ये पूरी की पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग है अगर ये पूरी की पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग है ठीक है ठीक से देखो ये पूरी की लास्ट वाली ये पूरी स्ट्रिंग एक है उसमें यहाँ पे एक सी पार्टिकल है यहाँ पे एक बी पार्टिकल है यहाँ पे एक ए पार्टिकल लगाया हुआ है ठीक है तो अब ये पूरी की पूरी स्टिंग सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है ये एकदम बाहर वाला जो पार्टिकल है उसकी स्पीड दी हुई है आपको वी जीरो स्पीड कितनी दी हुई है आपको वी जीरो जब अगर आप कंसीडर करके चलो कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ये ऑब्जेक्ट यहां पे एक ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट बांधा हुआ है अगर ये ऑब्जेक्ट एक आ, एक सर्कुलर एक सर्कल कंप्लीट करता है टी टी टाइम में ठीक है ना सपोज एक कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है टी टाइम लगता है तो ये दूसरा वाला, ये वाला पार्टिकल वन है, ये वाला पार्टिकल टू है एक को पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करने में तो यह जल्दी पहुंच गया और ये लेट से पहुंच गया तो पॉसिबल नहीं होगा ये दोनों को इस पॉइंट पे दोनों को एक साथ आना है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके इसका मतलब दोनों का ओमेगा जो होगा दोनों का ओमेगा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए यानी अगर यहां पे आप कंसिडर करके चल रहे हो कि ये पूरी की पूरी स्टिंग सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है इसका मतलब सी का बी का और ए का तीनों का ओमेगा सेम है तो चेंज किस में है तो ए जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी रेडियस है एल बी जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म परफॉर्म कर रहा है उसकी रेडियस है टू एल और सी जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी रेडियस है थ्री एल इसका मतलब यहाँ पे आप, आपके पास फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू ओमेगा नाम का आपके पास फॉर्मूला है अगर ओमेगा सेम है और आर डिफरेंट है तो सबका वी भी डिफरेंट होगा इसका मतलब A का velocity, B की और C की अलग, अलग होगी दो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है अब यहां पर ठीक से देखो द रेशियो ऑफ टेंशन इन ये मुझे फाइंड आउट करना है तो आप ठीक से देखो सबसे पहले सी पार्टिकल के बारे में बात करते हैं तो सी पार्टिकल पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है दैट इजन टी थ्री

टी टू माइनस टी थ्री एम ओमेगा उसका रेडियस कितना स्क्वायर थ्री एल विच इज नाइव एल सिमिलरली ए को ए जो है ए so, की टी वन माइनस टी टू है सो एम ओमेगा स्क्वा यह टी टू जो है वो इधर से इधर चला गया सो एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस इधर का माइनस इधर आके प्लस हो गया सो स्क्वायर एल प्लस एम तो कितना मिला मुझे स्क्वायर एल तो इसका मतलब अब एक केस कंसिडर करते हैं नेक्स्ट ठीक से देखना अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट यानी आपकी सपोज गाड़ी है फोर व्हीलर है फोर व्हीलर रोड पे खड़ी है तो उसमें दो फोर्सेस लग रहे होंगे ऑब्वियसली एक फोर्स जो है वो एम नीचे वाली डायरेक्शन में लग रहा होगा और एन एन जो फोर्स है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा हो ठीक है सो एम एम नीचे वाली डायरेक्शन में एन जो फोर्स है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अगर कर्व ये, ये जो कार है ये गाड़ी जो है वो कर्व रोड पे अगर जा रही है तो ठीक से देखो इट इज नॉट परफॉर्मिंग द लीनियर मोशन इट इज परफॉर्मिंग द सर्क्युलर मोशन बेसिकली एंगुलर मोशन ठीक है ना ये वाला जो कर्व है इस कर्व को मैं एंगुलर कर्व सॉरी एंगुलर मोशन का नाम दे सकता हूं सो so, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व सर्कुलर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है तो इस टाइम पे इस पे एक फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन में विच इज सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स विच इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वेर आर जिसकी वजह से इसमें टेंडेंसी तैयार हो जाती है टू मूव इन द आउटर साइड ऑफ द सर्कल वो सर्कल के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है अब ये वाली जो टेंडेंसी होती है उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए वहां पे एक फोर्स जनरेट होता है और वो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है इनवर्ड डायरेक्शन में अब यहां पे ये जो म्यू एम जी फोर्स है दिस बेसिकली म्यू एमजी फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्क्यूलर मोशन इसका मतलब म्यू एम जी इज नथिंग बट द यस म्यू एम जी इज नथिंग बट द सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है अगर 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 ये ये जो है से या फिर uh, देखा जाए तो फॉर दैट मैटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा होगा तभी ये ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट बाहर चला जाएगा इसका मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन फॉर अ कार टू मूव राउंड दर्क्यूलर टू मूव राउंड द

इससे अगर छोटी होगी तभी आपकी गाड़ी प्रॉपरली कर्ड रोड से इस तरह से चली जाएगी आपको पता होगा कि अगर, अगर कर्ड रोड पे अगर कॉर्नर पे अगर बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह या फिर कभी कभी वहां पे ऑयल वगैरह गिरा हुआ होता है तो वहां पे आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है क्यों क्योंकि ऑलरेडी उस कर्ड पाथ पे फ्रिक्शन कम हो चुका है अगर फ्रिक्शन कम हो चुका है इसका मतलब म्यू की वैल्यू कम हो चुकी है अगर म्यू की वैल्यू कम हो चुकी है इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू कम हो चुकी है इसका मतलब वी सेफ यानी आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी विथ विच यू कैन मेक अ कर्व्ड रोड ठीक है ना वो कम हो चुकी है इसलिए आपको स्पीड कम करनी पड़ती है फ्रिक्शन कम हुआ इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड आपकी कम हुई सिमिलरली आपको मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी भी म्यू जी अपॉन आर मिल जाएगी आपको यू कैन कैलकुलेट दैट सो बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको वी सेफ यानी सेफली आपको अगर कर्व रोड पे जाना है तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी हो सकती है वेलोसिटी की की स्पीड कितनी वैल्यू हो सकती है Root, mu, r, g, इतनी वैल्यू हो सकती है यानी मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी से आप जा सकते हो पाथ पे गेटिंग द पॉइंट सो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी यानी रोड पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स आपको सेंटीपिटल फोर्स का काम कर कराता है यानी आपकी स्पीड आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो किस पे डिपेंडेंट है बेसिकली उस कॉर्नर के रेडियस uh, पे डिपेंडेंट है और उस कॉर्नर के फ्रिक्शनल फोर्स पे डिपेंडेंट है गेटिंग द पॉइंट ठीक है और एक एग्जाम्पल देखते हैं अब सपोज आपके पास बाइसिकल है ठीक है ना बाइसिकल है बाइसिकल पे आप जा रहे हो बाइसिकल पे आप जा रहे हो करड रोड पे जा रहे हो तो कर रोड पे आप बाइसिकल पे जा रहे हो तो सेंट्रीफ्यूटल फोर्स आपको दिया किसने फ्रिक्शनल ने दिया आउटवर्ड डायरेक्शन में किसने फोर्स दिया आपको सेंट्रीफ्यूगल uh, फोर्स लगा ठीक है ना तो ये वाला जो हम बाद में कर चुके हैं लेकिन मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मैं क्या करता हूं मैं बस अपनी साइकिल थोड़ी सी बेंड कर देता हूं यानी मैं वर्टिकली चला रहा था जैसे ही मैंने थोड़ी सी बेंड की तो फायदा क्या होगा ठीक से देखना थोड़ा सा फायदा क्या होगा ठीक है ना तो यहां पे पर पे नीचे एमजी ही लग रहा होगा लेकिन अब, अब जैसे ही मैंने उसको बेंड कर दिया एनिक जो था की डायरेक्शन ऐसे होगी यानी नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सर्फेस ऐसे होगी तो अगर नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सर्फेस ऐसे होगी तो सपोज मैंने कितना बेंड किया है तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल से बेंड किया है वर्टिकल के साथ सपोज और दूसरा कंपोनेंट मिलता है मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में अब ये वाला जो एन साइन थीटा कंपोनेंट है ये एन साइन थीटा बेसिकली किसके साथ काम कर रहा है सेंट्री फ्यूगल फोर्स के साथ काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ इसका मतलब ये जो एन साइन थीटा है ये मुझे एक्स्ट्रा वाला सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की प्रोविजन दे रहा था लेकिन यहाँ पे मुझे मैंने थोड़ी सी साइकिल बेंड कर दी मैंने बेसिकल मेरी बेंड कर दी है इसकी वजह से हुआ क्या मुझे एक्स्ट्रा वाला एक फोर्स मिल गया जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है विच इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स अगेंस्ट दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स

जितनी ज्यादा आपको स्पीड चाहिए उतना ज्यादा आपको एंगल लेना पड़ेगा यानी वर्टिकल के साथ आपको यानी आप जितना ज्यादा झुकोगे उतनी ज्यादा स्पीड से जा सकोगे गेटिंग द पॉइंट जितना ज्यादा झुकोगे उतनी ज्यादा स्पीड से जा सकोगे इसका मतलब इट फॉलोज द एंगल थ्रू द साइकिलिस्ट शुड बी बेंड विल बी ग्रेटर यानी जितना जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा जितनी ज्यादा रेडियस होगी जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना कर्व स्मॉल होगा स्मॉल है तो इसका मतलब sharp curve है. Sharp curve है. इसका मतलब आर की वैल्यू बहुत कम है आर की वैल्यू कम है इसका मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी थीटा की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी यानी आपको कर्व और दूसरा भाई ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द साइकिल इज लार्ज अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आपको टर्न करना है तो आपको बहुत ज्यादा झुकना पड़ता है इसका फेमस एग्जाम्पल क्या है बाइक रेसिंग बाइक रेसिंग में आपने देखा होगा कि उनको स्पीड कम करनी नहीं होती है इसलिए वो बहुत ज्यादा झुकते हैं द पॉइंट बहुत ज्यादा झुकते हैं ये आपने देखा होगा सो बाय बेंडिंग द बाइसिकल और बेंडिंग द मोटरसाइकिल आपको क्या मिलता है एक्स्ट्रा सेंटिपीटर फोर्स का कंपोनेंट मिलता है जिसकी वजह से आप ज्यादा स्पीड से टर्न कर सकते हो ठीक है ना क्योंकि जितनी ज्यादा आप बेंड करोगे उतना ज्यादा आपको कंपोनेंट मिलेगा जितना ज्यादा आपको n एन थीटा वाला कंपोनेंट मिलेगा उतना ज्यादा आप जा सकते हो स्पीड से प्रॉब्लम होता है कार में कार में आप कार को बेंड नहीं कर सकते हो यानी कंटिन्यूसली आपकी जो कार होगी वो कार का एन अपवर्ड ही रहेगा आप उसको बेंड नहीं कर सकते हो लाइक like बाइसिकल और लाइक uh, बाइसिकल like और uh, आपकी जो भी मोटर बाइक होती है उसकी तरह से आप कार को बेंड नहीं कर सकते हो. तो वहां पे क्या किया जा सकता है तो वहां पे क्या किया जाता है अगर आप कार को बेंड नहीं कर सकते हो तो रोड को बेंड किया जाता है यानी क्या किया जाता है कि अगर ये आपका प्रॉपर नॉर्मल वाला रोड था ये वाला आपका अगर नॉर्मल वाला रोड था तो हुआ ये कि इस वाले नॉर्मल वाले रोड को इनर सरफेस जो था नॉर्मल वाले रोड का इनर सरफेस से आउटर सरफेस को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाया गया इसे कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड क्या कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड इसे कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड इससे फायदा क्या होता है सपोज ये एंगल थीटा है

अब होगा यहां पे कि आप ठीक से देखो कि यहां पे ये वाला जो नीचे वाले डायरेक्शन में है ये आपका एम है यहां पे दिखाया हुआ एम है ये वाला जो है ये आपका एन है ठीक है तो ये वाले एन का जो मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया नीचे तो अगर ये वाला थीटा है ठीक है ना तो ये वाला एंगल जो मिलेगा मुझे अगर ये वाला थीटा एंगल है तो आप आप अगर इस वाले ट्रायंगल को देखो ठीक से देखना ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो है ये वाला 90 डिग्री है तो अगर ये थीटा है तो ये कितना मिलेगा मुझे 90 थीटा ठीक है ना तो ये वाला एंगल कितना मिला मुझे एंगल्टी माइनस ये वाला देखो ठीक है ना इसमें ये नाइन्टी माइनस थीटा है ये वाला 90 है तो ये वाला कितना मिलेगा मुझे ये वाला एंगल मुझे मिलेगा थीटा ये वाला एंगल थीटा मिला मुझे ठीक है अगर ये वाला एंगल थीटा मिला तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा थीटा इसका मतलब ये मुझे थीटा है ये वाला एंगल थीटा मिल गया मुझे यानी नॉर्मल जो है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल कर रहा है थीटा नॉर्मल जो है ये आपका नॉर्मल है नॉर्मल वर्टिकल के साथ कितना एंगल कर रहा है थीटा इसका मतलब अगर मैं उसको रिजोल्व करूं एक कंपोनेंट वर्टिकल ले लूँ एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ले लूँ तो मुझे हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट मिल जाता है एन साइन थीटा और वर्टिकल वाला कंपोनेंट मिल जाता है एन कॉस थीटा ये रिक्वायरमेंट थी मेरी

आर एच जी एच आर जी डिवाइडेड बाई एल ये वाली जो वैल्यू है ये वेलोसिटी है ठीक है ना ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे मिल जाता है ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है इसका मतलब यहां पे इस वेलोसिटी से मैं भाग सकता हूं अगर आप एल को एच से इलिवेट कर दो तो यानी एच यानी रोड की विड्थ डिवाइडेड बाय कितनी हाइट से उसको ऊपर उठाया गया है मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू जी इसका मतलब ये वेलोसिटी मुझे वैसे मिलती है

तो फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे तो ये वाला तो पार्ट ये वाला पार्ट वैसे रहेगा ये वाला पार्ट वैसे रहेगा ये वाला पार्ट वैसे रहेगा ये एम वाला पार्ट वैसे रहेगा ये वाला रहेगा अब अब देखो यहाँ पे जैसे ही सेंट्रिपिटल uh, फोर्स लगना शुरू हो जाता है ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो अप ठीक है ना सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट uh, जो होता है वो अब जाने की टेंडेंसी रखता है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा उसको ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी ये वाला फ्रिक्शन उसको लगेगा अगर इस वाला फ्रिक्शन को ये वाला फ्रिक्शन अगर लगा उसको ना ट्राई द कैलकुलशन आपको समझ में आ जाएगा सो so, इसका मतलब ये एम जो है इसका कॉस कॉम्पोनेंट यहां पे आ जाता है साइन कॉम्पोनेट यहां पे आ जाता है अगर ऑब्जेक्ट को आपको इक्वली uh, में रखना है तो अगेन सेम थिंग करना पड़ता है आपको वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वेट करने पड़ते हैं एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इक्वेट करने पड़ते हैं बस खत्म अगर वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वेट करोगे तो एट द एंड आपको फॉर्मूला मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जीज इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यून थे वाला, ये वाला पार्ट आपको मिल जाता है ट्राई टू फाइंड आउट दिस इज द सेकंड असाइनमेंट यू हैव टू डू ये आपको पूरा फॉर्मुला कंप्लीट करके देना है पहले असाइनमेंट कौन सी है वो वाले जो एग्जाम्पल्स थे वो वाले सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं सेकंड असाइनमेंट ये है आपकी इसको आपको सॉल्व करना है सो ट्राई टू डू दिस असाइनमेंट्स एंड अपलोड इट ऑन द आर गूगल क्लासरूम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्कुलर मोशन इन द वर्टिकल प्लेन और उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स करेंगे ठीक है थैंक यू